तो नमस्कार मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज़ के लिए नमस्कार धमाकेदार न्यूज ये है कि भैया जहां गुजरात में कुछ कांड हो गया है उसके बाद एक कांड और भी हो गया है कौन सा कांड पहले सुनाऊं मैं तय नहीं कर पा रहा हूं दो कांड हुए इन दो कांडों की कहानी मैं सुनाना चाहता हूं एक कांड ईवीएम से जुड़ा हुआ है एक कांड राकेश टिकैस से जुड़ा हुआ है राकेश टिकैस से क्या कांड जुड़ा हुआ है वो मैं पहले बता देना चाहता हूं क्योंकि किसान आंदोलन बहुत ज्यादा सुर्खियों में है अब जब सुर्खियों में होता है तभी जब सुर्खियाँ चलती हैं तो बहुत सारे राज खुल जाते हैं इसी कड़ी में एक राज का खुलासा होता है जिसमें एक संत जो एक खुलासा करता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था अस्सी लाख में खरीदने के लिए राकेश टिकैत को लेकिन राकेश टिकैत ने बिकने से मना कर दिया वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी जाकर के बयान देने को तैयार हैं उनका वीडियो ट्विटर पर आया और उन्होंने स्पष्ट किया इस बारे में कि 80 लाख में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझ पर जोर डाला था कि मैं राकेश टिकैत का ये आंदोलन बंद करा दूं अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सी पॉलिटिक्स है कौन सी नहीं है ये कह नहीं सकते लेकिन एक संत का जब बयान आता है और वो ये बोलते हैं साथ में कि साहब राकेश टिकैत को बोला गया था कि साहब इतना रास्ता रोका हुआ है इतने सब लोग परेशान हो रहे हैं तो अस्सी लाख रुपए लीजिए और वापस लौट जाइए लेकिन वो नहीं लौटे वो ईमानदार हैं राकेश टिकैत ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी राकेश टिकैत को मिल गया और ये बयान भी सुन लीजिए संत पुजारी जी और मैं कहता हूं दावे के साथ में यदि कोई सच्चा किसान है तो राकेश टिकट हैं है। मैं संत युवराज इस बात से मुकरूंगा नहीं यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे मैं कोर्ट के अंतर्गत पे सुप्रीम कोर्ट के नाम भी खोलने को तैयार हूं परंतु ध्यान रखें राकेश टिकट नहीं खरीदे गए मैं 80 करोड़ रुपए में सरकार की तरफ से उन्हें खरीदने के लिए गया था किस प्रेशर में गया था ये मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात यह थी कैसे भी देश में शांति हो चक्का जाऊं और मैं कहता हूं दावे के साथ में यदि कोई सच्चा किसान है तो राकेश टीकैत है मैं संत युवराज इस बात से मुकरूंगा नहीं यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे मैं कोर्ट के अंतर्गत पर सुप्रीम कोर्ट के नाम भी खोलने को तैयार हों परंतु ध्यान रखें राकेश टीकेत नहीं खरीदे गए मैं 80 करोड़ रुपए में सरकार की तरफ से उन्हें खरीदने के लिए गया था किस प्रेशर में गया था ये मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात ये थी कैसे भी देश में शांति हो चक्का जाम अब दूसरी धमाकेदार न्यूज सुन लीजिए दोस्तों अभी अभी खबर है 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 ब्रेकिंग 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 न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज न्यूज गुजरात में आज स्थानीय निकाय निकायों और पंचायत चुनावों के लिए मतदान हुआ इस दौरान दाहोद में वोटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ कुछ लोगों ने ईवीएम को भी नुकसान पहुंचाया हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा वहीं बीराम गांव में भाजपे भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्दलीय उम्मीदवारों उम्मीदवार के साथ झड़प हो गई यहां भी पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फर्जी ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर के आरोप लगाए भारी फोर्स के बीच ये बवाल हुआ हालांकि निकाय चुनाव में इतनी फोर्स पहले कभी लगाई नहीं जाती थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के होते हुए वहाँ भी फोर्स लगा दी जाती है अपने हिसाब से चुनाव की वोटिंग बदलवाने के लिए चाहे ई को थ्री जी से क्यों ना कराना पड़े या फोर जी से क्यों ना कराना पड़े या जियो से क्यों ना कराना पड़े दाहत में इस चुनाव के लिए ग्यारह कर्मचारी और छब्बीस जवान तैनात किए गए थे फिर भी हिंसा हुई इस वजह से कुछ देर वोटिंग बंद भी रही बाद में सीनियर अफसरों ने पहुंचकर दोबारा मतदान शुरू कराया शाम छह बजे तक जिला पंचायतों में उनसठ पॉइंट थ्री जीरो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है शहरों में नहीं हुई थी इतनी बोटिंग। आप समझिए शहरों का मसला समझिए क्योंकि शहरों में लोगों को दबाया जाता है हर व्यापारी को दबाया जाता है गुजरात के हर व्यापारी को गुजरात में आठ हजार चार सौ सीटों पर वोटिंग हुई है आज गुजरात में आज इकतीस जिला दो सौ इकतीस तालुका पंचायत और इक्यासी नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुए आज कुल आठ सीटों के लिए वोटिंग हुई इनमें नगर पालिका की सत्ताईस सीटें जिला पंचायत की सीटें और तालुका पंचायत की चार सीटें शामिल थीं वोटिंग के लिए छत्तीस आठ मतदान केंद्र बनाए गए थे वोटिंग की जो गिनती होगी वो होगी दो मार्च को अब एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा जोर बंगाल चुनाव पर लगाए हुए यहां कहीं पीछे पिटती हुई नजर आती है और जब आरोप लग जाते हैं राकेश टिकैत पर और ये धमाकेदार न्यूज़ जो आई है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है जहां राकेश टिकैत का ईमान खरीदने की कोशिश की जाती है वहाँ राकेश टिकैत बिकने से मना कर देते हैं एक संती खुद खुलासा कर देता है और जिस तरह पंचायत चुनाव में ई मशीनों के दुरुपयोग को लेकर के कांग्रेस के लोग और निर्दलीय लोग सवाल उठाते हैं तब असल लियत जो है समझ में आ जानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान को दोस्तों कि गलती किसकी है कौन है जो ई का गलत इस्तेमाल कर रहा है कौन है जो पैसे का धन का और बल का इस्तेमाल कर रहा है ये सोचने वाली बात होगी राकेश टेकैद को खरीदने की कोशिश 80 लाख में बाकी में ये हैरत अंगेज खुलासा है अगर जब संत ये खुद बोलते हैं कि मैं कहीं भी जाकर के बोलने को तैयार हूं किसने मुझसे बोला मैं उसके नाम भी खोलने को तैयार हूं वो वीडियो तो आपने सुन लिया होगा ना दोस्तों वो वीडियो आपने सुन लिया होगा तो फिर ये बताएं लोकतंत्र और बताएं मीडिया कि इस तरह के वीडियो अब क्यों नहीं आते हैं सोशल मीडिया पर उन वीडियो को गायब क्यों कर दिया जाता है क्यों लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया जाता है क्यों रक्षित सिंह जैसे पत्रकार का शोषण होता है कब जागेगी हिंदुस्तान की मीडिया की आत्मा कब जागेगा हिंदुस्तान का लोकतंत्र कब जा, जागेंगे दलाल कांग्रेस के वो ट्वेंटी थ्री जिन्होंने विरोध का झंडा उठा लिया है जिनके मंच पर कांग्रेस का झंडा देखने को नहीं मिलता दोस्तों यही तो भारतीय जनता पार्टी है जो सौदे करना जानती है सत्ता में रहने के लिए और सत्ता में रहने के लिए वो हर उस व्यक्ति को अपने आश्रय में ले लेती है जो भी व्यक्ति उसके आश्रय में आना चाहता है थोड़ी एक्टिंग चलती है राज्यसभा में थोड़ी एक्टिंग चलती है चुनाव की सभाओं में थोड़ी एक्टिंग चलती है और गद्दारी गुलाम नबी आज़ाद के बारे में सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने गद्दारी सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं की जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी की है धारा तीन के खिलाफ भी की है दोस्तों वीडियो कैसा लगा खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर नमस्कार